स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखे में। आज मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है तो आपको पता ही होगा कि उसमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो अगर आपको चाहिए ही कि मुझे चाहिए ही एलईडी नोटिफिकेशन लाइट, तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे आपको देखने को मिलेगा कमाल के ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप को डाउनलोड करना। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के ऐप में। तो इसे ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है नोटिफिकेशन लाइव, बस इतना सा, एक मिनट इसे टाइप कर लेते हैं नोटिफिकेशन लाइट। ठीक है, बस इतना ही टाइप करने के बाद आपको यहाँ कई सारे दिखाई देंगे, बट हमें ज़रूरत है नोटिफाई बड़ी एमुलेट लाइट की। तो इस ऐप की हमें ज़रूरत है, इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और आप भी वीडियो में बने रहें आगे। तो ये बस 2 MB की फाइल है, जिससे कि पता चलता है कि ये ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन नहीं है, आप इसे किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह इंस्टॉल होने में लगेगा टाइम। तो यहाँ ओपन कर लेते हैं और ये आराम से हो चुका है। ओवर लेयर परमिशन ये मांग रहा है, उसे ग्रैंड करना पड़ेगा जिससे कि ये आपकी स्क्रीन पे काम कर सके अच्छे से। फाइन, ठीक है, अब चलते हैं उस एप्लीकेशन फिर से। तो नोटिफिकेशन परमिशन, नोटिफिकेशन एक्सेस नीड फॉर ऐप टू वर्क एज इंटेंट। अच्छा, एंड्रॉयड सेटअप अलाउ। अच्छा, तो मैं कर दिया इसे ओपन। तो इस ऑप्शन को, नोटिफिकेशन एक्सेस को आपको इसमें ऑन कर देना है जिससे कि यह काम करे। ठीक है, तो बस इतना सा ही काम करना था। अब आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अगर किसी भी एप्लीकेशन से इसमें अगर आता है तो आपको सर्च बार में दिख जाएगा। मीन्स अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे यहाँ कर देता हूँ और एक जल्दी से मैसेज भी भेजता हूँ। इसमें कलर पिक, कलर हमें व्हाट्सएप पे इसमें सेट करने को मांग रहा है, तो व्हाट्सएप है ग्रीन, तो ग्रीन कर देते हैं इसमें। तो ये आप अपनी मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं नॉट वर्किंग और ये। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको भी बहुत सारे दिखा दे रहे होंगे। तो बैटरी चार्ज मुझे देखना दोस्तों, बैटरी के लिए है या नहीं। बैटरी के लिए कुछ होना चाहिए, चार्जिंग से शायद हो, चार्जिंग से संबंधित कुछ नहीं है इसमें, तो उसे बाद में देख लेंगे। तो एक्टिव मैंने इसमें कर दिया है। अब एलईडी के बारे में बात करते हैं, तो इसे आप अपने, ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग्स, तो आप यहाँ पर से उसे डॉट को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाया था एलईडी एनिमेशन टाइमलाइन। तो एलईडी कितनी देर के लिए रहना चाहिए आपका, तो 1 से 10 सेकंड के लिए, तो मैं 5 सेकंड कर रहा हूँ। और ब्लिंक इंडिपेंडेंट, तो ये कितनी बार ब्लिंक करेगा 1 से 10 सेकंड के बीच में, तो ब्लिंक इससे थोड़ा कम रखें। और स्टॉप टाइमर, और स्टॉप टाइमर क्या है, तो ये 30 ऐसे रहने देते हैं। स्टॉप टाइमर मतलब ये कितने मिनट तक ये चलना चाहिए, तो एवरेज है 30 मिनट। तो ठीक है, बिहेवियर नोटिफाई फॉर मिस कॉल स्टॉप फाइल, तो अगर कोई आपको मिस कॉल देता है तब भी ये काम करेगा, तो इसे भी ऑन कर देते हैं। और सो हाँ, तो इसे हम लोग ढूंढ लेते हैं दोस्तों। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, क्या है, प्रीमियम रिक्वायर्ड, तो इसको लिए आपको प्रीमियम चाहिए होगा, तो इस ऐप को आपको परचेज करना होगा। अगर इसे आप परचेज कर लेंगे तब आप इससे कर सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं। और फिर ऑन करने के बाद क्या होगा कि अगर आप जब भी मोबाइल चार्ज में लगाएंगे तो ये चार्ज को भी इंडिकेट करेगा, तो उसका ज़रूरत वैसे चल पड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि रेडमी के फ़ोन में एक मस्त फीचर आ चुका है जिसे आप मोबाइल चार्ज में लगाते मस्त सा ग्राफिक दिखा देता है चार्ज होने का, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डाउन टाइम
डाउन टाइम क्या है? LED won't notify in between the given time. अच्छा, अगर आप इसे एनेबल कर देंगे दोस्तों, तो भी यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि 12 बजे से, जैसे एग्जांपल में 12 बजे से 7 बजे के बीच में अगर जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो ही मुझे दिखाई देगा. अगर 7 बजे के बाद कोई भी दिखाई आएगा नोटिफिकेशन, तो ये ऐप वर्क नहीं करेगा. तो सिंपल सी बात है, तो उम्मीद है आप समझ गए हैं. और इसे जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप धीरे धीरे समझते जाएंगे दोस्तों. डिफ़ॉल्ट कलर है हमारा ये, तो रहने देते हैं, ठीक लग रहा है. पोजीशन इसका, हाँ, XY एक्सिस से रहने देते हैं, ये भी ठीक लग रहा है मुझे. हम ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस ऑटो पे है, तो ऑटो पे थोड़ा फुल कर देते हैं लोग तो और अच्छा है. अब LED साइज, इससे भी प्रीमियम यूज़ चाहिए तो टेस्ट करते हैं हम लोग. हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेफ्ट कॉर्नर के सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लिंक कर रहा है. ब्लिंक थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो इसे बढ़ाते हैं. तो इसे कहाँ से बढ़ाना होगा दोस्तों? ऊपर जो हमने यहाँ पर क्लिक था सेकेंड ऑप्शन ब्लिंक, तो इसे 6 पर रख देते हैं. अब टेस्ट करते हैं. अब देखिए, तो ठीक ही लग रहा है. तो फास्ट किस तरह होगा एनिमेशन टाइम? अच्छा, इसे थोड़ा कम करते हैं, देखते हैं. हाँ, अब थोड़ा फास्ट लग रहा है. तो इसे आप यूज़ करते करते यूज़ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा. और ये ऐप आपके बैकग्राउंड में चलते रहेगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो. और बस यही था इस ऐप में. अगर आपके फ़ोन में अगर LED नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो आप इस ऐप का यूज़ करके LED नोटिफिकेशन का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप इसे प्रीमियम पैक ले लेते हैं, अभी इस ऐप को परचेज़ कर लेते हैं, तो आप इसके और भी कई फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.